हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब जो वीडियो पढ़ रहे हैं उसमें हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है ये पढ़ा था, CDF क्या होता है ये पढ़ा था, हम CDF किस तरह से निकालते हैं किसी इंटरवल के लिए वो हमने पढ़ा था। थ्योरम फर्स्ट है इसमें, लेट fx बी एस CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x, देन तो जो कंडीशंस होंगी वो कौन कौन सी कंडीशन होंगी, fx यानी CDF जो है उसकी वैल्यू जो होगी 0 और 1 के बीच में होगी। सेकंड कंडीशन होगी जो fx x लेस देन इक्वल टू fxy वेन एवर x लेस देन इक्वल टू y, यानी जो CDF है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और यानी fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और थर्ड है हमारे पास, अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ टेंस करे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और डी है वो है अगर एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करे तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू होगी 0 होगी। तो फिर इनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ ए, क्योंकि fx को हम क्या डिफाइन करते हैं, CDF क्या डिफाइन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x, यानी क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है एक इंटरवल में जो कि x से छोटे वाले इंटरवल में, x से छोटे जो भी एलिमेंट हो उसमें किसी उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, तो उस तरह जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में। हम सभी जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में होती है। तो यहाँ से फर्स्ट जो पार्ट है वो प्रूफ हो गया। सेकंड है पार्ट हमारे पास कि एफ एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स वाई या एफ एक्स, या इसको हम फ्रेंड्स एफ एक्स एंड एफ वाई बोल रहे हैं। लेट ए बराबर जो है वो एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड वाई, बी जो है एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू x है, x लेस देन इक्वल टू y है। अब चूंकि x ही दोनों तरफ x की ही जो है सैम्पल स्पेस है, बट सैम्पल स्पेस के कुछ एलिमेंट x से छोटे हैं यहाँ पे और यहाँ y से छोटे हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इफ x लेस देन इक्वल टू y देन a जो है वो सबसेट होगा b का, यहाँ से ये कह सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज यहाँ से, क्योंकि ये छोटा सेट है और ये बड़ा सेट है और ये सबसेट भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या क्या है हमारे पास, एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स थी तो ये एफ एक्स था और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या थी, एफ वाई था। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ वाई। सी ए फ्रेंड्स हमारे पास, लेट बी एन एक्स टेंस टू एन बिकॉज एक्स मस्ट बी टेक सम वैल्यू एंड हेंस x लेस देन इक्वल टू n फोर सफिशेंटली लार्ज n, जैसे n जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा फ्रेंड्स, जो ये ए एन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, ए वन ए टू इस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन होते जाएंगे। बी सी दैट ए एन इज इंक्रीजिंग टू s, तो ए एन जो होगा वो a की तरफ टेंड्स करेगा, यानी जो फुल सेट है उसको करेगा, फुल सेट को शो करेगा, यानी जो सैम्पल स्पेस है x का उसको शो करेगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी। और सिमिलरली इसके लिए हम कह सकते हैं अगर एफ एक्स है एन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, तो उस कंडीशन में हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ टेंड्स करेगी, क्योंकि डिक्रीजिंग होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं।